ये रैबिटिलियम का प्रैक्टिकल है। सो हमारे पास ये जो है ना, हमारे सबसे पहले तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया नो हाउ होनी चाहिए कि ये प्रैक्टिस में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो ऑस्ट्रीम में पूछ। ठीक है, ये वाला आउटर बाथ है, ठीक है, और ये हमारा इनर बाथ है। अब यहाँ पर ना इस धागे के साथ जो है ना, यहाँ पर हमने ये आइलियम सस्पेंड किया हुआ है रैबिट का, ठीक हो गया। और यहाँ जो है ना, ये जो आ रहा है ना पाइप, ठीक है, अब जाहिर है एक रैबिट का एलियम है तो वो तो डेड हो जाएगा प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में, तो हम ये ऑक्सीजन पाइप जो है ना वो लगाते हैं, जो बेसिकली वैसे यहाँ पे लगा होता है लेकिन अभी डायरेक्टली इसमें डाल दिया बिकॉज अपरेटस थोड़ा इस तरह का था। अब ये आप देखो कि आप ये जो पाइप आ रहा है, अगर एग्ज़ाम में पूछे ये पाइप कहाँ से आ रहा है तो आप पाइप पीछे ट्रेस कर सकते हो कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, ठीक है, जहाँ से ये पाइप आ रहा है। और अब जो है हमारे पास जो इनर बाथ है उसके अंदर है टाइरॉइड स्टेशन और आउटर बाथ में है डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि बेसिकली ये इसमें आइलियम सस्पेंडेड है ना, अब हमने क्या करना है 10^-5 में से ना ये एसिटाइल को लेना। मैं एगनिस्ट का प्रैक्टिकल परफॉर्म करी हूँ, मैं पिपेट से पहले 0.1 ml एसिटाइल को लेन लूँगी और वो इसके अंदर डाल दूँगी इनर बाथ में, ठीक है। और मैं क्या करूँगी, इसको ऑन करूँगी और मैं इसकी कॉन्ट्रैक्शंस जो है ना वो नोट करूँगी। ये जब मूव करेगा ना ऐसे, ठीक है, और इसकी कॉन्ट्रैक्शंस जो है ना वो यहाँ पे आएंगी बिकॉज ये सारा ब्लैक होता है। तो अभी ये इतना देखें, ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो मैं नोट करूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं इसको ऑफ़ कर दूँगी जो कि अभी ऑफ़ है। ऑफ़ करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको 3 times मैंने वॉश करना है। वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉश ऐसे करना है कि आपने ये जो टायरॉइड सॉल्यूशन है आपने यहाँ से जो ये लगे आपने इसको खोलना है, ठीक है, और ये जो पाइप है ना इसके थ्रू ये पानी आएगा अंदर, ठीक है। ये जो कॉइलिंग है ना ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होती है। अब जब पानी यहाँ से टायरॉइड सॉल्यूशन जो है वो इनर बाथ में आएगा, ठीक है, और फिर टायरॉइड सॉल्यूशन को मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं जो इसका आउटलेट है ना, लाइक ये जो क्लैंप है ना, इसको खोल दूँगी। जब मैं क्लैंप खोल दूँगी तो ये क्या होगा कि इसके अंदर से जो है, लाइक ये देखें, इनर बाथ जो है वो उसके अंदर से मैं सारा ऐसे निकाल दूँगी इसको, ठीक है। इस तरह से मैंने परफॉर्म करना है 3 times, मैंने इसको वॉश करना है पहले एक इस तरह, पहले फिर दोबारा भरूंगी, फिर इस तरह, फिर तीसरी बार, ठीक है। फिर वॉश करने के बाद, वॉशिंग ज़रूरी है वरना आपका प्रैक्टिकल से परफॉर्म नहीं होगा। फिर मैंने 10^-5 इसे टाइल को ली जो है उसके अंदर पिपेट से दोबारा लेना है 0.2 ml, पहले 0.1 लिया था, अब 0.2 लूँगी और वो मैंने कहाँ डाल देना है, इनर बाथ में, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना थोड़ी देर वेट करना है, मैं इसको ऑन करूँगी। ऑन करके मैंने ये नोटिस करना है कि पहले ग्राफ अगर ऐसे चल रहा था, एसिटाइलकोलीन एगनिस्ट है ना, ठीक है, तो अब क्या होगा, एसिटाइलकोलीन एगनिस्ट वो रिसेप्टर को जाके ऑक्युपाई करेगा और अब जो इसकी हाइट आएगी ऊपर जाएगा, ठीक है, बेस लाइन से ऊपर जाएगा और ऊपर जाके कॉन्ट्रेक्शंस करेगा। यह हाइट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद इस तरह मैंने दोबारा इसकी 3 times वॉशिंग करनी है, फिर मैंने दोबारा इस तरह से इसको 0.2 से फिर डबल करके 0.4 डालना है, फिर वॉशिंग करनी है, 0.8 डालना है, मैंने ग्राफ नोटिस करते जाना है और इसी तरह प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, ठीक है। और इसके बाद अब 0.4 वाली जो कंसंट्रेशन है ना इसमें से, अच्छा 0.4 कंसंट्रेशन है जो ऊपर लिखी हुई है, जैसे ये 10^-5 है, ये 10^-4 है, सॉरी, अब 10^-4 के अंदर से आपने कुछ अमाउंट जो लेनी है ना वो अमाउंट आपने इसमें डालनी है 0.2, 0.4, 0.5 जैसे आपने पहले परफॉर्म किया, और ग्राफ जो है वो आपने कैमोग्राफ को नोट करना है।